सो फ्रेंड्स, अभी मेरे पास फ़ोन बनने के लिए आया है रेडमी 8 MI 8। ठीक है, तो फिलहाल मैंने इसका सब कुछ ओपन करके रख लिया है। इसमें बनने आया है डिस्प्ले। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि आप रेडमी 8 या फिर किसी फ़ोन के फोल्डर को, डिस्प्ले को कैसे फिटिंग कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले आपको डिस्प्ले निकालने के बाद आपको चिमटी या ग्लू रिमूवर आपको मिल होता है। ठीक है, ग्लू रिमूवर की सहायता या फिर चिमटी की सहायता से आपको आपकी किनारे जहाँ डिस्प्ले चिपकता है उसको क्लीन, अच्छे तरीके से क्लीन कर लेना होगा। ठीक, तो हम यहाँ पे इसको क्लीन कर लेते हैं। क्लीन करने के बाद आपको इस प्रकार का ग्लू मार्केट में मिल जाएगा। ठीक है, इसको हम किनारे किनारे आपको यहाँ पे पूरा फिलअप कर देना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप, इस तरह से ग्लू को बड़े ही बारीक तरीके से आपको चारों तरफ से इसको लगाना। ठीक है, एक हो जाने के बाद आपको यहाँ से स्टार्टअप करना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी आगे आएंगे या फिर बीच में, यहाँ पर स्पीकर होता है, अगर आप बीच में लगा देंगे तो आपको स्पीकर आवाज़ आनी बंद हो जाएगी फ़ोन पर जब बात करेंगे तो। ठीक, तो फिलहाल आपको इतना गैप करके आपको ग्लू चारों तरफ से लगा लेना होगा। नीचे की साइड भी आपको लगा लेना होगा, नीचे की साइड थोड़ा बारीकी और थोड़ा ऊपर से आपको लगाना होगा, क्योंकि यही नीचे की साइड डिस्प्ले का पत्ता होता है। ठीक, तो यहाँ पर मैंने ये लगा लिया है। देन उसके बाद मेरे पास डिस्प्ले है। ठीक, डिस्प्ले में सबसे पहले आपको करना क्या होगा, ये जो नीचे वाला स्टिक है ब्लू कलर का आप देख रहे हैं, इसको हमको निकाल लेना होगा। इसको निकाल कर, ठीक, जैसे ही आप इसको निकालेंगे ये डिस्प्ले पर चिपक जाएगा। ठीक, आपको इस प्रकार चिपका लेना होगा। एंड देन आपको फ़ोन को उल्टा पकड़ना होगा यहाँ से। ठीक, उल्टा पकड़ने के बाद आपको, सॉरी मैंने गलत पकड़ लिया। ठीक, आपको इस प्रकार फ़ोन पकड़ना होगा। एंड देन आपको यहाँ पे नीचे की साइड से डिस्प्ले का पत्ता अंदर डालना होगा। अंदर डालने के बाद आपको डिस्प्ले ये ऐसे बैठा देना होगा। एक साइड पर यहाँ पे देख सकते हैं कि डिस्प्ले एकदम बाहर की तरफ से चारों बगल से कहीं भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आपको इस प्रकार से बैठा लेना होगा। एंड देन आपको तुरंत इसको लगा के एक बार चेक कर लेना होगा। देन उससे पहले मैंने एक पेच यहाँ पर लगा रखा था, इसको रिमूव कर लेना होगा क्योंकि कभी कभी ये डिस्प्ले में घुस जाता है। ठीक, तो इसको हमने हल्का ढीला कर लिया। एंड देन सेट को चालू करते हैं। सेट चालू हो कर लेना होगा और चेक कर लेना होगा कि प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो फिलहाल ये गारंटी वाला डिस्प्ले है, वापस हो जाएगा चिपकाने के बाद भी, मैक्सिमम डिस्प्ले वापस नहीं होते। ठीक, तो इस प्रकार चालू हो जाने देते हैं, तब तक हम आगे का प्रोसेस करते हैं। पेज को आपको निकाल लेना होगा और सबसे पहले आपको रिंगर बॉक्स, ठीक, ये रिंगर बॉक्स आपको नीचे एक साइड इस तरह से बैठा लेना होगा। यार आपको पेच लगा देना होगा। एंड देन उसके बाद आपको करना क्या होगा, सभी पेज को किनारे साइड करते हैं। आपको ये बड़ा वाला क्लिप, इसमें कैमरा घुसा हुआ है, इसको हम निकाल लेंगे। ठीक, और कैमरा को भी यहीं पे क्लिप कर लेंगे। ओके, जरा हम डिस्प्ले एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पर कैसा है। ठीक, तो फिलहाल डिस्प्ले एकदम परफेक्ट है। एंड देन हम आपको इसको ये, ठीक, आपको ये फिंगरप्रिंट यहाँ से निकाल लेना होगा क्योंकि यही लगाने में थोड़ी परेशानी होती है। आपको इस तरह से इसके अंदर डालकर इसको क्लिप में बैठा लेना होगा। ठीक, तो मैं बैठा लेता हूँ, आपको भी ऐसे ही इसको इंटर कर देना होगा। एंड देन आपको छोड़ देना ये।
मैं रखता हूँ, अब तक गलत लगा लिया मैंने, ठीक है। आपको इस तरीके से इसको इसको घुमा लेना हो। ऐसे ठीक, ऐसे लगाना होगा आपको। तो आपको इस प्रकार से यहाँ लगाकर पेज को कस देना होगा। पेज एकदम हल्के हाथों से कसेंगे आप, जरा सा भी टाइट करेंगे हो सकता है डिस्प्ले आपका ब्रेक हो जाए। तो नॉर्मली एकदम धीरे धीरे आपको पेज को कसना होगा, ठीक है, कि डिस्प्ले तक तो स्क्रू टच ना हो जाए। तो नॉर्मली हम धीरे धीरे सभी पेज को लगा देंगे। अगर आपके पास सभी पेज अवेलेबल ना हो तो इम्पोर्टेंट जगह, जैसे जहाँ स्पीकर होता है, जहाँ बटन होते हैं पावर की के, वहाँ पर आप पेज लगा के बाकी जगह छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मेरे पास पेज अवेलेबल है, मैं सभी जगह पेज को क्लिप कर लूँगा। क्लिप करने के बाद आपको एक बार फिर सेट को ऑन करके देखना होगा कि परफेक्ट है कि नहीं, ठीक। यहाँ पर देख सकते हैं एकदम सब परफेक्ट है, ठीक। देन आपको करना क्या होगा कि ये जो आपने रिमूव किया था फिंगरप्रिंट, आपको फिर से इसी प्लेट में इंटर करना होगा, इसी ढक्कन में, ठीक। तभी आपका फिंगरप्रिंट वर्क करेगा। आपको इसको अच्छे तरीके से लगाकर क्लिप बंद कर देनी हो, ठीक। लगाने के बाद आपको ढक्कन को बंद कर देना होगा इस तरीके से, और एकदम नॉर्मली हाथों से, हल्के हाथों से ढक्कन को भी आप बंद कर लेंगे, ठीक। यहाँ पर देख सकते हैं बंद हो गया है। एक बार फिर से पासवर्ड खोल के देख चेक कर लेते हैं, और ये देन उसके बाद आपको ये सिम ट्रे लगा लेना होगा। एंड लास्ट काम आपको करना होगा रबड़, ठीक है। तो दो तीन रबड़ आपको यहाँ पर लगा देने होंगे, क्योंकि तब कुछ देर के लिए रबड़ लगा इसलिए रहने छोड़ देंगे कि ये जो ग्लू है ना थम सा जाए और डिस्प्ले चिपक सा जाए, ठीक। तो रबड़ आपको कुछ इस तरीके से लगा लेना होगा। डिस्प्ले चेक करते जाइएगा और रबड़ को लगाते जाइएगा, ठीक। इस प्रकार आपको लगा लेना होगा, एक दो तीन चार, ठीक। इस प्रकार आप रबड़ लगा लेंगे, एंड देन एक बार और फिर से चेक कर लेते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं, ठीक। देख सकते हैं सब प्रॉपर काम कर रहा है। अब इसे 2 से 3 घंटे के लिए सूखने के लिए रख देते हैं, ठीक। तो फ्रेंड्स, आज का मेरी वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नया आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।